मैं दिनेश शर्मा, मैंने नेट फिनिशिंग के द्वारा आपको गला फिनिश करना बताया। थर्ड पार्ट में मैंने बाइंडिंग निकालनी बताई और अब मैं फोर्थ पार्ट में डोरी द्वारा पाइपिंग कैसे निकाली जाती वो बताऊंगी। आइए चलिए। हेलो दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आज आपको जो है डोरी वाली पाइपिंग बताने जा रही हूँ जो धागे से बनती है। और इसमें मैं ना फुट को चेंज करूँगी, इसी सिंपल मशीन से ही मैं आपको बहुत सुंदर पाइपिंग बता रही हूँ। आइए स्टार्ट। 2.5 इंच चौड़ा मैंने गला लिया है और इसकी जो लंबाई है वो नॉर्मल हम 5.5-6 इंच की रखते हैं फ्रंट की लंबाई गहराई। और ये इस तरह से हम इसकी गोलाई कर लेंगे और जो है अब हम इसको कटिंग करेंगे कपड़े। और ये मैंने फोल्ड लिया है, ये मैंने फोल्ड लिया है, इस प्रकार से इसकी गोलाई कर देंगे। और मैंने पहले भी बताया है कि कपड़े को कभी भी नहीं हिलाते हैं, खुद ही हिलते हैं या अपने हाथ को घुमा लेते हैं। इस तरीके से अगर हम कटिंग करते हैं तो कपड़ा जो है बिल्कुल सही टिक जाता है, वो हिलता नहीं है। अब इसको ये देखिए, मैंने गला काट दिया है, ये मैंने डोरी ली है और ये मेरी पाइपिंग है। पाइपिंग मैंने आपको पहले काटनी भी बता दी है और सिलनी भी बता दी है, और अब फिर दोबारा से मैं आपको फिर सिलनी बता देती हूँ। ऐसे मैंने इसके किनारे काट लिए हैं, इसका भी मैंने किनारा काट दिया है किनारे। अब ये देखिए, मैंने उरे पट्टी ली है, इसके ये ऐसे किनारे जो हैं वो मैंने साइड जो है काट दी है, दोनों को चौरस लिया है। और इस प्रकार से देखिए, ये पट्टी है, ये पट्टी है, इस पट्टी को इस प्रकार से रखेंगे, ये देखिए इस प्रकार से इस पट्टी को रखेंगे। रखने के बाद जो है इस किनारे से इस किनारे तक ऐसे निशान लगा लो, क्योंकि आप अभी नए नए हो इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ बिल्कुल बारीकी से। और मशीन के नीचे ले जा कर के और इसको जो है इसी लाइन के ऊपर आप सिलाई लगा लें। ये सबसे आसान तरीका है पाइपिंग की पट्टी को जोड़ने के लिए, पूरे पट्टी जोड़ने के लिए। ये देखो कितनी सफाई से जो है ये हमारी पट्टी जुड़ गई है। अब इसको फालतू कपड़े को हम इस तरह से काट देंगे। काटने के बाद इस सिलाई को चीर लेंगे, इसको चीर लेंगे इस प्रकार से। चीरते इसलिए हैं कि कपड़ा जो है एक जगह है ज़्यादा मोटा ना हो जाए, इसलिए इसको चीर करके ही लगाते हैं। अब देखिए किस प्रकार से लगाएंगे, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि कपड़े को सीधा लेना है और पट्टी को भी सीधा ले करके ऐसे रखना है। और इस में हम धागे की पाइपिंग निकालेंगे तो इस पट्टी को जो है हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे, बस थोड़ा सा हल्का सा खींचेंगे और इस तरह से एक पैर की सिलाई लगाते हुए हम इसको पूरी सिलाई लगा देंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरा काम करने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको अच्छे से और एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से बताऊं। ये देखिए अब जो है ये मैंने पट्टी पूरी लगा दी है, इसको हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद क्या करेंगे, फिर जो है या तो हम प्रेस करेंगे या हम फिंगर से ही ऐसे प्रेस कर लेंगे, ऐसे जो है ऐसे प्रेस करने के बाद अब आप ध्यान से देखना, आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस कपड़े को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद या ऐसे रखेंगे, ऐसे रखने के बाद और इस पट्टी को कच्चा कर लेंगे पहले, ऐसे इस तरह से। देखो ध्यान से देखो, इसको मैंने दबाया नहीं है, इसको मैंने अलग रखा है और इसको इस तरह से कच्चा कर लेंगे।
इसकी पट्टी के किनारे की तरफ हमने सिलाई लगानी है। इस प्रकार ये देखिए हमने इसको कच्चा कर दिया है, इस तरह से हमने इसको कच्चा कर लिया है। कच्चा करने के बाद अब हमने ये डोरी ली है, ये डोरी मार्केट से आराम से आपको मिल जाएगी। अब इसको क्या करना है, ये देखिए ये जो सिलाई है इसको हम ऐसे नीचे करेंगे, डोरी को इसके साथ इस तरह से रखेंगे, इस प्रकार से ध्यान से देखिए, इस प्रकार से डोरी को रखेंगे। डोरी को इस प्रकार रखने के बाद हम इसको इस प्रकार से मोड़ लेंगे, ध्यान से देखिए, इस प्रकार से मोड़ लेंगे और ये देखो कितनी अच्छी बारीक जो है आपकी पाइपिंग निकलेगी और सिलाई जो है इसकी जड़ में लगाएंगे, बिल्कुल सिलाई की जड़ में ही हम सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार इस धागे को इस सिलाई के साथ देखो बिल्कुल सिलाई के साथ रखते हुए और हमने इसको इस तरह से पकड़ना है और ये देखिए बहुत ही सुंदर बिना किसी छेड़खानी करते हुए हमने इसको सिंपल सिलाई मशीन से ही मैं इस डोरी को निकाल रही हूँ। लेकिन ये ध्यान रखें कि सिलाई जो है वो बिल्कुल इसकी जड़ में चलनी चाहिए और ये इस सिलाई के इस पट्टी की सिलाई के किनारे पे जो है हमने इसको डोरी को रखना है। और ये देखिए, ये देखिए बहुत ही सुंदर आपकी एक जैसी पाइपिंग निकलेगी। इसमें मैंने ना फुट को घुमाया है ना मशीन को छेड़ा है, मैंने सिंपल तरीके से जो है इसको बनाने की कोशिश की है और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी जो है ये पाइपिंग निकलती है। इसको आप कहीं भी किसी भी कमीज में, गले में या कहीं डिजाइन डालने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल जो है जड़ में सिलाई लगानी है। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से जो है आपको बताने की, आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। क्योंकि कोई भी जब हम वस्त्र बनाते हैं तो नेक जो है वो सबसे ज़्यादा जो है आकर्षित करता है वस्त्र को, तो गले की फिनिशिंग जो है वो सबसे ज़रूरी होती है गारमेंट बनाते वक्त, तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से बनाना है। और ये देखिए मैंने जो है ये डोरी पाइपिंग जो है आपको लगा कर दिखा दी हैं और आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरा बताने का तरीका पसंद आया होगा। ये मैंने जो है पूरी ये कर दी है, एक्स्ट्रा को हम कट कर देते हैं और अब आप देखिए कितनी सुंदर जो है पाइपिंग जो है मैंने ये लगाई। इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, इसको ऐसे प्रेस करेंगे और जो है अब ये जो हमारा ये इधर से जो बच गया, इधर से आप सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप तुरपाई कर लेंगे। मैं इस पर जो है आपको कच्चा करके ही दिखा रही हूँ, फिर आप इस पर जो है तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप इसको कच्चा कर लें, ये
इस तरह से आपका गला जो है वो एकदम फिट हो गया है। ये ज़रा सा हल्का सा ये दिखाई दे रहा है, तो आप इस डोरी को हल्का सा ऐसे खींच करके और इसको सेट कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये देखो, इसी तरीके से यहाँ से भी इस डोरी को थोड़ा सा पकड़िए और इसको ऐसे हल्का सा खींच कर, इसको भी आप ऐसे कर लें। ये देखो बहुत ही सुंदर जो है गोलाई और पाइपिंग, और बहुत ही सुंदर बारीकी से मैंने इसको बनाया। ये सबसे आसान तरीका है पाइपिंग के लिए। कई बार हम लोग